हेलो माई स्पिरिचुअल सीकर्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। डॉक्टर वीज आगे बताते हैं कि एक हफ्ते बाद कैथरीन अपने अगले सम्मोहन सत्र के लिए मेरे ऑफिस आई। वह बहुत आकर्षक लग रही थी और उसने खुशी में भर कर घोषणा की कि जीवन भर से सता रहा डूबने का डर अब खत्म हो चुका है। उसका दम घुटने वाला डर भी बहुत हद तक कम हो गया है। अब उसकी नींदें पुल टूटने के डरावने सपने से खराब नहीं हो रही थी। यद्यपि उसे अपने पूर्व जन्मों की बातें याद थी, फिर भी वह सभी चीज़ों को सही रूप से संगठित नहीं कर सकी थी। पुनर्जन्मों की धारणाएं एवं पुनर्जन्म उसके विश्व विज्ञान से असंबद्ध थे, और तब भी उसकी यादें बहुत सजीव, उसकी नज़र व आवाज़ और गंध बहुत साफ थी। जो ज्ञान उसके पास था वह बहुत ही प्रभावशाली और प्रत्यक्ष था। उसे लगा कि उसे उन जन्मों में वास्तव में मौजूद होना चाहिए। उसने इस पर संदेह नहीं किया, अनुभव इतना ज़बरदस्त था। हालांकि उसे चिंता थी कि इसको अपने पालन पोषण व अपनी आस्थाओं के साथ वह कैसे सामंजस्य बनाएगी। इस सप्ताह के दौरान मैंने कोलंबियो में अपने ग्रेजुएट के एक साल के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की किताबों को भी खंगाला। बाइबल के प्राचीन और नए विधान में पुनर्जन्मों के कई संदर्भ मिलते हैं। धर्म प्रमुखों की सोच थी कि इस धारणा के कारण इंसान अपनी मुक्ति के लिए अधिक समय देगा। वह ये धारणा इंसानों की मुक्ति को अत्यधिक समय देकर चर्च के बढ़ते प्रभुत्व को कमजोर करेगी। हालांकि मूल धर्म संदर्भ अभी भी वहाँ मौजूद है और चर्च के प्रारंभिक फादर्स ने भी इस मान्यता को स्वीकार किया है। हालांकि पुनर्जन्म में मुझे कभी भी भरोसा नहीं रहा। वास्तव में मैंने कभी इस दिशा में सोचने के लिए समय ही नहीं निकाला। यद्यपि मेरी प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा में मृत्यु के बाद आत्मा के एक प्रकार के अस्पष्ट अस्तित्व का पाठ पढ़ाया गया था, पर मैं इस धारणा से सहमत नहीं था। मैं अपने पिता की चार संतानों में सबसे बड़ा था। सभी में 3-3 साल का अंतर था। हम एक रूढ़िवादी यहूदी सिनोगॉग परिवार के सदस्य हैं। यद्यपि मेरी अपेक्षाओं की तुलना में मेरा बचपन ज़्यादा बौझिल और अत्यधिक जिम्मेदारियों से भरा था, फलस्वरूप मैं एक अति गंभीर युवा के रूप में उभरा। ऐसा युवा जिसे जिम्मेदारियों को उठाने की आदत हो गई थी। मेरी माँ हमेशा अपना प्यार हम पर नौछावर करती थी। उसे कोई बाधा ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी। मेरे पिता एक औद्योगिक फोटोग्राफर थे और उनका काम भी ठीक ठाक था। मैं जैव विज्ञानी मनोचिकित्सकों की उस जमात में शामिल हो गया था जो मनोचिकित्सा के प्रारंभिक सिद्धांतों और तकनीकों को मस्तिष्क रसायन के नए विज्ञान के साथ मिलाना चाहती थी। मैंने कई वैज्ञानिक पेपर लिखे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भाषण दिए। इसके बाद मुझे फिर से चिंता थी कि कैथरीन का डर अभी भी बना हुआ है। हालांकि वह सम्मोहन के लिए बेहद उत्सुक नजर आई और उसमें तुरंत चली भी गई। मैं पानी में फूलों की मालाएं फेंक रही हूँ, यह एक धार्मिक क्रिया है। मेरे बाल भूरे हैं, गूथे हैं। मैंने एक भूरी सुनहरी पोशाक और सैंडल पहनी है। कोई मर गया है शाही घर में। कोई माँ, मैं शाही घर में एक नौकर हूँ और खाना बनाने में मदद करती हूँ। हम शरीर को 30 दिन के लिए खारे पानी में रखते हैं, उसे सुखाते हैं और अंगों को बाहर निकाल लेते हैं। मैं उसे सूंघ सकती हूँ, शरीर की गंध सूंघ सकती हूँ। वह अचानक ही अपने मन से अरोंडा के जीवन काल में चली गई थी, लेकिन वह ऐसे भिन्न दौर में थी जहाँ उसका काम मृत्यु के बाद शव को तैयार करना था। एक अन्य इमारत में कैथरीन ने बताना जारी रखा कि मैंने शव देखे। हम शवों को लपेट रहे हैं, आत्माएं निकल रही हैं। आप अपनी संपत्ति को अगले और महान जीवन के लिए तैयार करने जा रहे हैं। मृत्यु एवं उसके बाद के जीवन के संबंध में वह जो बता रही थी वह संभवतः इजिप्शियन अवधारणा थी, जो कि हमारे यहाँ प्रचलित मान्यताओं से भिन्न है। उसने उस जीवन काल का अनुभव करने के बाद आराम किया और एक अन्य प्राचीन समय में प्रवेश करने से पूर्व वह कई मिनटों तक रुकी रही। मैंने बर्फ देखी, एक गुफा से लटकती हुई चट्टाने। वह किसी अंधेरी और अप्रिय जगह के बारे में अस्पष्ट ढंग से बता रही थी और दिख रहा था कि वह तकलीफ में है। बाद में उसने खुद के बारे में बताया। मैं भद्दी, गंदी और दुर्गंध से भरी हूँ।
और इतना कहने के बाद वह एक अन्य जीवन काल की ओर चली गई। वहाँ कुछ इमारतें हैं और पत्थर के पहियों वाली एक गाड़ी भी। मेरे बाल भूरे हैं और उन पर कपड़ा है। गाड़ी में भूसा भरा है। मैं खुश हूँ। मेरे पिता वहाँ, वे मुझे गले लगा रहे हैं। ये एडवर्ड है, वे मेरे पिता हैं। हम पेड़ों से भरी एक घाटी में रहते हैं। वहाँ जैतून और अंजीर के पेड़ हैं। लोग कागज़ पर लिखते हैं। यह समय 1536 का है। ज़मीन बंजर है और मेरे पिता का नाम पर्शियस है। हालांकि वर्ष ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह उसे जीवन काल में फिर से पहुंच गई है जहां वह पिछले सत्र में गई थी। मैं उसे उसी जीवन काल में रखते हुए आगे की ओर लेके गया। मेरे पिता आपको जानते हैं, उसने मुझसे कहा। आप और वे फसलों और कानून और सरकार की बातें करते हैं। वे मुझे कहते हैं कि आप समझदार हैं और मुझे आपकी बातें सुननी चाहिए। मैंने उसे और आगे जाने को कहा। उसने बताया कि अब मैं एक वृद्ध और कमज़ोर हूँ। मैं अपनी मौत की ओर बढ़ रही हूँ। सभी लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हैं। इस बार उसकी मौत बड़ी शांति से हुई और वह तैर रही थी। तैर रही थी? इस सवाल ने मुझे डॉक्टर रेमंड मूडी के निकट मृत्यु अनुभवों से जुड़े अध्ययन की याद दिला दी। उसमें उनका प्रयोगाधीन व्यक्ति भी शरीर से बाहर खींच लिए जाने के बाद खुद को तैरता हुआ याद करता है। मैंने उनकी किताब को पहले कई बार पढ़ा और दोहराने के लिए दिमाग में उनके नोट्स तैयार किए। मैंने उससे याद करने को कहा और उसने कहा कि मैं सिर्फ तैर रही हूँ। मैंने उसे जगाया और उस सत्र को समाप्त किया। पुनर्जन्म पर प्रकाशित किसी वैज्ञानिक पेपर के लिए एक नई अतृप्त भूख के साथ मैंने मेडिकल पुस्तकालयों को छान मारा। डॉक्टर स्टीवेंसन ने ऐसे बच्चों के 2000 से ज़्यादा नमूने इकट्ठे किए थे जिनकी पुनर्जन्म से संबंधित यादें और अनुभव थे। उनमें से कई भाषांतरण प्रदर्शित करते थे, यानी वे ऐसी विदेशी भाषा बोल सकते थे जिससे उनका किसी सामना नहीं हुआ हो। उनकी केस रिपोर्ट्स सावधानी से पूरी की गई, शोधपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण लगी। कैथरीन और मैं अपने अनुभव से अपने अपने रास्तों पर गहराई से प्रभावित थे। कैथरीन में भावनात्मक रूप से सुधार हो रहे थे और मैं अपने दिमाग के क्षितिज को विस्तार करने में लगा था। कैथरीन कई वर्षों से अपने डरों से प्रताड़ित थी और अब आखिरकार उसे कुछ आराम मिला। भले ही वह वास्तविक स्मृतियों से मिला हो या जीवंत कल्पनाओं से, मैंने उसकी मदद का एक रास्ता पा लिया था और मैं अब रुकने वाला नहीं था। एक पल के लिए मैंने यह सब कुछ सोचा, लेकिन जबकि अगले सत्र की शुरुआत में कैथरीन समाधि की ओर बढ़ रही थी। आगे इसी सम्मोहन प्रक्रिया में कैथरीन ने एक दृश्य में अपने मृत्यु के बाद का अनुभव बताया। वो कहती है कि मैं उस चमकीली रोशनी से परिचित हूँ। वह आश्चर्यजनक है। हमें इस रोशनी से ऊर्जा मिलती है। मौत के बाद वह दो जीवन कालों के बीच विश्राम अवस्था में थी। कई मिनट खामोशी में बीत गए और अचानक वह बोली, लेकिन हमेशा की तरह निकलने वाली धीमी फुसफुसाहट वाले स्वर में नहीं। उसकी आवाज़ इस बार भारी, ऊंची और बिना हिचकिचाहट वाली थी। और वो बोली, हमारा उद्देश्य है सीखना, ज्ञान के जरिए ईश्वर जैसा बनना। हम बहुत थोड़ा जानते हैं। आप यहाँ मेरे शिक्षक के रूप में हैं। मुझे बहुत कुछ सीखना है। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर तक पहुँचते हैं और फिर विश्राम करते हैं। उसके बाद हम फिर से लौटते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। मैं एकदम चुप था। यह उसकी मौत के बाद नए जन्म से पूर्व की अवस्था से आया संदेश था। इस संदेश का मूल स्रोत कौन था? आवाज़ कैथरीन जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह कभी इस तरह से नहीं बोलती थी और न तो ऐसे शब्द और वाक्यांश प्रयोग में लाती थी। यहाँ तक कि उसका स्वर भी बिल्कुल भिन्न था। इस पड़ाव पर मुझे लगा कि हालांकि कैथरीन शब्दों को बोल रही है, परंतु ये विचार नहीं है, ये उसके विचार नहीं है। वह तो उतना ही बता रही थी जितना उसे बताया गया। उसने बाद में विचारों के स्रोत को गुरुजनों के रूप में, उच्च विकसित आत्माओं के रूप में जो अभी शरीरों में नहीं है, पहचाना। वे उसके द्वारा मुझसे बोल सकते थे। कैथरीन ने केवल अपने पिछले जीवन कालों में प्रतिगमन कर सकती थी, बल्कि वह बहुत उच्च किस्म के ज्ञान की वाहक भी बन रही थी। सुंदरतम ज्ञान। मुझे अपने ध्येय पर बने रहने में परेशानी हो रही थी।
एक नया आयाम सामने आ चुका था। कैथरीन ने कभी भी निकट मृत्यु अनुभवों को महसूस नहीं किया था, ना ही पढ़ा था कभी। उसने कभी भी तिब्बतन बुक ऑफ डेड के बारे में नहीं सुना था, फिर भी वह वैसा कुछ बता रही थी जो इन किताबों में लिखा था। यह एक तरह का प्रमाण ही तो था। यदि वहाँ और तथ्य और विस्तृत व्याख्याएं मिलती तो मुझे उनको प्रमाणित करना था। मेरा संशय डावाडोल हो गया था, पर अभी तक बाकी था। हो सकता है कि उसने निकट मृत्यु अनुभव के बारे में किसी पत्रिका का लेख पढ़ा होगा या कोई टीवी इंटरव्यू देखा होगा। यद्यपि वह जागृत अवस्था में किसी ऐसे शो या लेख के बारे में कुछ नहीं जानती थी, संभवतः ऐसा कुछ उसकी अवचेतन स्मृतियों में संग्रहित रहा होगा। लेकिन इन संशयों के बावजूद वे किताबों में लिखी घटनाओं से आगे मध्यावस्था से संबंधित संदेश प्रसारित कर रही थी। काश मेरे पास और तथ्य होते। जागने के बाद कैथरीन को अपने पूर्व जीवन कालों की घटनाएं हमेशा की तरह याद थीं। हालांकि उसे एलिजाबेथ के रूप में अपनी मृत्यु के बाद का कुछ याद नहीं था, भविष्य में वह मध्यावस्था के वर्णन को याद नहीं रख पाएगी। उसे केवल अपने जीवन काल ही याद रहेंगे। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। हम अपने रास्ते पर थे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।